वेलकम टू महापत्र एजुकेशन चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आम आज पढ़ा अष्टम श्रेणी साइंस बहीर अष्टादश अध्याय वायु जल प्रदूषण पल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर यार अभ्यास कार्य आज आम आलोचना करवा सर देखा पाठ्यपुस्तक प्रश्नवली उत्तर एक नंबर कौन था जल किपर प्रदूषित होता है उदाहरण सब बुझेगा जल किपर प्रदूषित होर जल लिख निम्नलिखित उपाय जल प्रदूषित होता कौन कौन जल लुगा सफा कले जल गाड़ी मोटर धोले लुगा सफा कर गाड़ी मोटर धोचान विभिन्न शिल्पुर निर्गत जल तरल आवर्जना जल में मिसले रासायनिक पदार्थ और आवर्जना मिसले बुझेगा यह सब जल प्रदूषण उदाहरण कौन गंगा नदी जो सहर और नगर दे बहुची से बहु आवर्जना नर्दमा जल मृत शरीर और हानिकारक द्रव्य जल में मिशुचे लोक मैंने गाधेबा लुगा सफा करने आवर्जना फूल देवदेवी मूर्ति पलिथिन खोल इत्यादि यही नदी में पकाई था कानपुर ठारे 5000 रु अधिक शिल्प कारखाना तरल विषाक्त रासायनिक आवर्जना गंगा नदी जल में मिसी यह प्रदूषित करें गंगा नदी जल में मिसी यह प्रदूषित कर उदाहरण टू रायगढ़ पेपर मिल्रु निर्गत जलर आवर्जन आर्सेनिक सीसा और फ्लोराइड्र मात्रा अधिक परिमाण में थाए यही दूषित जल जो नागावली नदी जल विषाक्त होषाक्त जलर प्रभाव यही विषाक्त जलर प्रभाव प्राणी उद्भिद मान पड़ुअ दुई नंबर कहना तुम्हें निज तरफ वायु प्रदूषण कमेपी किपर सा लेख आम लिखा उत्तर देख गाड़ी मोटर रे सीमा विहीन पेट्रोल और सीएनजी पकाइबा जीवाश्म ईंधन बदल रे अणपारंपरिक शक्ति जो कौन कौन सब जमीक सौर शक्ति जल विद्युत शक्ति पवन शक्ति ये सब कौन ना अणपारंपरिक शक्ति व्यवहार करवा जीवाश्म ईंधन रे अणपारंपरिक शक्ति कौन देख वन महोत्सव पालन द्वारा वृक्षरोपण करवा जैव पदार्थ को न फोपाड़ी कंपोस्ट करवा ऊर्जा शक्ति द्वारा गाड़ी मोटर चलेबा प्लास्टिक जात द्रव्य को न पोड़ी ता पुनः चक्रण करिबा क्रसर गुंडरे सीमेंट मिसाई ईटा तैयारी करिबा क्रसर गुंडरे सीमेंट मिसाई ईटा तैयारी करिबा तीन नंबर देखियो निर्मल और स्वच्छ जल सर्वदा पानयोग्य मतामत दियो देखिबा कौन छणा जल रु निर्गत जल निर्मल मन होनेक अणुजीव रही था तेणु यह पीले रोग व्यापार संभावना रही था यह निरापद पानी जल नुहे प्रदूषित जल व्यवहार करुवा लोके हईजा टाइफएड और जंडिस आदि रोग से आक्रांत होती जो मैंने प्रदूषित जल व्यवहार करता को फुटाई थंडा कर छाणी पीवा निरापद अटे कारण ए जीवाणु मैंने मरी जाते आम कौन कर पा को फुटे पीवा उचित जो मरीज घर मानक कैंडल युक्त फिल्टर फिल्टर व्यवहार होगा आवश्यक कारण यह द्वारा भौतिक पद्धति रे जलर परिशोधन होगा आवश्यक जल विशोधन रासायनिक पद्धति रे जल रे ब्लीचिंग पाउडर बा क्लोरीन बटिका पकाइबा आवश्यक कौन हे तो सुतरा उपरोक्त पद्धति मान अवलंबन कर जल को पानी उपयोगी जल को पानी उपयोगी कर पीवा आवश्यक जल को पानी उपयोगी मैंने पीवाई आवश्यक करके पीवा नचे कौन हम नचे अनेक रोग नचे अनेक रोग होबार संभावना रही था ना कौन हम ना अनेक रोग होबार संभावना रही था पीवा आवश्यक नचे अनेक रोग होबार संभावना रही था चैनल प्रश्न देख म्युनिसिपैलिटी रे जन सदस्य हिसाब सदस्य हिसाब रे तुम शहर को विशुद्ध जल सदस्य हिसाब रे तुम शहर को विशुद्ध जल जोगाण पई की पदक्षेप नेब तहार एक योजना प्रस्तुत कर उत्तर म्युनिसिपैलिटी रे जन सदस्य भाव रे शहर को विशुद्ध जल जोगाण करिया पई निम्नलिखित योजना मान प्रणयन करबा करबा को हेबो यदि म्युनिसिपैलिटी रे जन सदस्य आमे हेतबा बुझिला कोन कोन देखो देखियो जथा जल जोगाणर उत्स भूतल होगा आवश्यक भूतल तापर कौन ला जल को मोटा पलिथिन पाइप प्रवाहित करने को शिल्पानुष्ठान मानक जल विशोधन प्रकल्प प्रतिष्ठा करने बाध्यतामूलक आवश्यक जल जोगाण पूर्व भौतिक और रासायनिक पद्धति यार परिशोधन करने आवश्यक परिशोधन तापर कौन ला जल विशोधन
रासायनिक पद्धति जल में क्लोरीन बटिका और ब्लीचिंग पाउडर मिसाइबा आवश्यक जल विशोधन पर देख पानी जल प्रवाहित होता पाइप जपरी नर्दमा जल संस्पर्शन न आसव से दृष्टि देवा आवश्यक बुझेगा मानने पीआप जो पाइप के व्यवहार कर नर्दमा जल संस्पर्श जमी न आसव जल संरक्षण सह यार अपचय नापी अपचय नापी कम व्यवहार रिड्यूस पुनः व्यवहार रीयूज और पुनः चक्रण रिसाइकल मध्यम सचेतन सृष्टि करवा आवश्यक बुझे कौन करवा यार अपचय न हो रिड्यूस करवासह रिड्यूस सह रीयूज करवा जोटा कि आम पुनः व्यवहार करवा पुनः पुनश्चकरण करवा रिसाइकल बुझीगला बर्तमान पांच नंबर प्रश्न विशुद्ध वायु प्रदूषित वायु मध्य पार्थक्य लेख विशुद्ध वायु प्रदूषित वायु मध्य पार्थक्य प्रथम पॉइंट कौन देला देख विशुद्ध वायु रे तार संगठित उत्पादन गुड़िक ठीक परिमाण रे थाए प्रदूषित वायु रे उत्पादन गुड़िकर परिमाण व्यतिक्रम देखा जाए ठीक थला बेले ता व्यतिक्रम देखा जाए तापर पॉइंट कौन विशुद्ध वायु रे वायु प्रदूषक कणिका मान न थाए प्रदूषित वायु रे वायु प्रदूषक कणिका मान थाए प्रदूषित वायु रे थाए प्रदूषित वायु रे वायु प्रदूषक कणिका मान थाए तापर कौन एही वायु स्वास्थ्य पक्षे हितकर किंतु एही वायु स्वास्थ्य पक्षे अहितकर कोटा हितकर विशुद्ध वायुटा हितकर होगा बेले शुद्ध वायुटा अहितकर होता है बर्तमान छ नंबर देखा अम्ल वर्षार प्रभाव किपर हुए वर्णना कर यह प्रभाव में आम क्षति होती है अम्ल वर्षा कौन उत्तर देख अम्ल वर्षार प्रभाव सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भली प्रदूषक वर्षा जल सह मिसी अम्ल वर्षा सृष्टि करती कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसओ टू आउ है वाटर एच टू है एच टू एसओ फोर आनओ टू एच टू जमीक एच एनओ थ्री ये दुटा मिसी कर तो अम्ल वर्षार प्रभाव जनित क्षति कौन लिखे अम्ल वर्षा मार्बल पथर को क्षतिग्रस्त कराए यार प्रभाव में मार्बल रंग हलदिया हो जाए मार्बल एपरी परिवर्तन को मार्बल कैंसर कहा जाए कौन कहला मार्बल कैंसर तापर कौन कला यह मूर्तिकारु कैल्शियम पोषक अपसारण कैर धातव सौध को नष्ट कै धातव सौध को मैं नष्ट कैपर कौन कै यह बासगृह और पक्का घर उपर प्रभाव पकाई थाए नदी और पुष्करणी में रोकवा जलचर जीवों जीवन चक्र बाधा सृष्टि कै जलचर नदी और पुष्कर जो जलचर जनता बाधा सृष्टि कै गछर पत्र सबुज कण नष्ट हलदिया पड़ जाए सबुज कण नष्ट हलदिया पड़ जाए मूर्तिकार अम्लत्व वृद्धि पाए फल उत्पादन क्षमता ह्रास होता है मूर्तिकार अम्लत्व वृद्धि पाए हेतु कौन होता है उत्पादनटा क्षमता ह्रास होता है सतनम देखा कौन सबुज कोटरी प्रभाव कौन निज भाषा वर्णना कर जोटा कि आमर ग्रीन हाउस इफेक्ट बा सबुज कठोर प्रभाव कौन लेख लिखे पृथ्वी पृष्ठ को सूर्यालोक उत्तप्त करें जाने आम पृथ्वी पृष्ठ को सूर्यालोक कौन दूसरे आलोक दूसरी सूर्य रश्मि किसी अंश पृथ्वी द्वारा शोषित हुए किसी अंश शोषित एवं अवशिष्ट महाकाश को फेरी जाए यही प्रतिफलित रश्मि किसी अंश को वायुमंडल धरी रखे फल वायुमंडल उत्ताप वृद्धि पाए नर्सरी काच घर मध्य को सूर्यर उत्ताप प्रवेश करे किंतु यह बाहरी पारे ना कौन कहला से नर्सरी जो आम काच घर मध्य पशि पारे से सूर्यर उत्ताप कि बाहरी पारे ना फल कोठरी तापमात्रा अधिक होता है यह सबुज कोठरी प्रभाव बा ग्रीन हाउस कहगला यहाँ को कहगला तापर कौन देला सी तापर कहला अंगारकाम्ल और मिथेन ओ मिथेन पर केतक गैस तापशोषण सामर्थ्य रही सब गैस परिमाण वृद्धि पृथ्वी को एक सबुज कोठरी में परिणत कर दे सब गैस जो परिमाणटा वृद्धि होबुज कोठरी में परिणत कर दे कहला मनुष्य विकासमूलक कार्यक्रम एवं जंगल क्षय जो वायुमंडल में सीओटोर मात्रा वृद्धि पाँच सीओटो व्यतीत मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड और जलीय बाष्प सबुज कोठरी उपर प्रभाव पकाउ थिबारु एगुड़ी को ग्रीन हाउस रूपे गणना करे जाउछ बुझियला बर्तमान देखिबा आठ नंबर कौन ला ग्लोबल वार्मिंग संबंध रे एक वक्तव्य प्रस्तुत करिबा ग्लोबल वार्मिंग तुम्हें श्रेणी रे ए संपर्क रे कहबाको पड़िबो गोटे भाषण बा स्पीच टाइप रे आमे कहबा उत्तर सम्माननीय सभापति महोदय उपस्थित शिक्षक श्रीवृंद
तो आम स्टार्ट करिबा। प्रथमे उत्तर देख, सम्मानीय सभापति महोदय, उपस्थित शिक्षक शिक्षयत्रीवृंद, विद्यालय समस्त छात्र छात्रीगण, आज आलोच्य विषय ग्लोबल वार्मिंग संबंध में मोर वक्तव्य उपस्थापित करने सुजोग मिलिथिबारु मो निजकु धन्य मन करुचि। तापर आम कह ग्लोबल वार्मिंग भूपृष्ठ तापमात्रा वृद्धि वायुमंडल मात्राधिक अंगारकाम्ल बाष्प जो होता है विभिन्न प्रकार जीवाश्म ईंधन जथा कोईला और पेट्रोलियम इत्यादि बहुत उपयोग होगा द्वारा अंगारकाम्ल बाष्प अधिक मात्रा ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल प्रवेश करता है। सूर्य किरण में विभिन्न रश्मि जथा अल्ट्राभायोलेट विजिबल इन्फ्रारेड आदि थाए एगुड़िक मधेरु अल्ट्रा भायोलेट बी ता अतिबैगणी रश्मि जहाँकि जीवजगत प्रति अत्यंत क्षतिकारक वायुमंडल को प्रवेश कर पारिनथाए एहाकु स्ट्रोपोस्फीयर रे थिबा ओजोन ओ3 स्तर अटकाई देथाए। ओ3 स्तर कौन अटकाई देथाए किंतु इन्फ्रारेड रश्मि एहाकु भेद कर पृथ्वी पृष्ठ को आसी थाए एवं ताप प्रदान करिथाए वायुमंडल रे थिबा अंगारकाम्ल बाष्पर घन आस्तरण एक कंबल सदृश काम करिथाए एवं पृथ्वी पृष्ठ रु फेरी आसुथिबा उत्तप्त विकिरण को अटकाई दिए। यह द्वारा भूपृष्ठ तापमात्रा वृद्धि घटिथाए। यह सबुज गृह प्रभाव कहुए एवं अंगारकाम्ल बाष्प CO2 मिथेन CH4 आदि हेउछि सबुज गृह बाष्प जहाद्वारा तापमात्रा वृद्धि हुए। तेज प्राय 82% ग्लोबल वार्मिंग अंगारकाम्ल बाष्प जो होता है। अंगारकाम्ल बाष्प को आयत्त करने कार्बन ट्रेडिंग बा कार्बन व्यवसाय एक सहजसाध्य उपाय केतेक बहुराष्ट्रीय व्यवसाय प्रतिष्ठान चिकागो जलवायु विनिमय कार्यालय यही व्यवसाय करूछि। भारत में मध्य कार्यक्रम आरंभ हो भारत सरकार निर्देश क्लीन डेवलपमेंट मेकानिजम जोटा कि CDM आरंभ हो कार्बन ट्रेडिंग और क्लीनिंग क्लीन टेक्नोलॉजी संबंधी ज्ञान प्रदान करी थे। भारत सरकार योजना आयोग तरफ प्रयास जारी रही है। एक जातीय कार्यानुष्ठान योजना गठन करा जाए। ग्लोबल वार्मिंग एक विश्वस्तरीय समस्या एवं यहाँ प्रतिहत करा नकले तो आगामी दिन में सुनामी भली अनेक प्राकृतिक दुर्विपाक देखा जीव गुड़िक सुखीजा एवं जलाभाव देखा जीवा भयंकर घूर्णिझड़ इत्यादि सांप्रति घटना मान मनीष सभ्यतार अस्तित्व प्रति विपद सृष्टि करुच्ची। प्रकृत जीवनधारण सकल आधार प्रकृति मिलता है। आप जो जीवनधारण सकल आधार कौन प्रकृति मिलता है एवं यही प्रकृतिर अवक्षय एवं दुर्घटना यही जो प्रकृतिर अवक्षय एवं दुर्घटना और से संबंधियों जावतीय उद्वेग आज चिरंतनता प्रति आह्वान देउची। एही आह्वान शिकार हो अनेक सभ्यता कालर करल बक्षरे लीन हो जीवार नजीर रही। 1996 मसीह तथ्य अनुसार अमेरिकार प्रति हजार लोकों पर 498 और चारिचकिया गाड़ी थिला बेले चीन रे ता 3.2 एवं भारत 4.4 पृथ्वीर विकसित देश मानक लगाम छड़ा विलास व्यसन आज मनीष विनाशर कारण पलटि। पृथ्वीर वायुमंडल को जी परिमाण अंगारकाम्ल गैस निर्गत हुए तार एक तृतीयांश छाड़े केवल अमेरिका समेत विकसित देश मैंने जी परिमाण में अंगारकाम्ल गैस वायुमंडल को छाड़ती से ही तुलन में ग्रीन हाउस सुरक्षापी तपिर नुहति कि से प्रति ध्यान भी दिंती ना से भोगपिलास समग्र मनीष सभ्यतापी विनाशर बाट कढ़ाई कोटि कोटि वर्ष धरी प्रक्रियाकरण भितर पृथ्वी जो संपद सृष्टि कर सबू मनीषर गोटे जीवदशा
भितरे निशेष हो जाइछि। एही प्राकृतिक संपद गुड़िक जेतिके परिमाण रे एवं जेतिके सीमा भितरे व्यवहार करा जिबा कथा ता थारु ढेर अधिक परिमाण रे आमे व्यवहार करूछु, ता थारु आमे ढेर अधिक परिमाण रे व्यवहार करूछु। फल रे कोन होछि, फल रे जंगल कमी कमी जाउछि, चारण भूमि सरी सरी आसुछि, व्यापक होउछि ग्रीष्म प्रभाव, मत्स्य भंडार ओ सामुद्रिक प्रवाह समूह ध्वंस पाई चालिछि। मरुभूमि तार काया विस्तार करि चालिछि, बरफ पहाड़ गुड़िक तरले जिबारे लागिछि, नदी गुड़िक सुखि सुखि जाउछि, तेल ओ खनिज पदार्थ सरी सरी आसुछि, समुद्र पतन बढ़ुछि एवं ता सहित माड़ि आसुछि भयंकर झड़ ओ घूर्णी बात्यामान। सभ्यतार ध्वंस दिगरे एहा यथेष्ट संदेश। भोग विलासर पसरा मेळी मृष्टिमय लोकंकु सुविधाभोगी कराइबार धनतांत्रिक व्यवस्था एही ध्वंसाभिमुखी सभ्यता पई दायी, एही ध्वंसाभिमुखी सभ्यता पई दायी। विश्वर समग्र मानव समाज एही ध्वंसाभिमुखी संदेहरे सतर्क रहिबा सहित एहाकु सामना करिबार समय आजि। वर्तमानर मनुष्य सभ्यता सही दशा भोगिबाकु बाध्य, एणु एही ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ତାଜମହଲ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଲେଖ ଉତ୍ତର। ତାଜମହଲ ଉପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି 1ରେ କ'ଣ, ଆଗ୍ରାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଜମହଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଆଗ୍ରାଠାରେ ଯେଉଁ ତାଜମହଲ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଗ୍ରା ସହର ରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରବର ଶିଳ୍ପ, ରସାୟନ ଶିଳ୍ପ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ, ତୈଳ ରିଫାଇନାରୀ ଯୋଗୁଁ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷା ଜଳ ସହ ମିଶି ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ ଓ ଯବକ୍ଷାରମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ସହିତ ମିଶି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବା ଏସିଡ଼ ରେନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବା ଏସିଡ଼ ରେନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାପରେ ଏହି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ମାର୍ବଲ ପଥରକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଧଳା ମାର୍ବଲର ରଙ୍ଗ କ୍ରମଶଃ ଫିକା ଓ ପରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାର୍ବଲ ଅଧିକ ହେଲେ ମାର୍ବଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ମଥୁରା ତୈଳ ରିଫାଇନାରୀରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ବଲର ରଙ୍ଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଳଦିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଲା, ଜଳରେ ପୋଷକର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଜଳଜୀବମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଉତ୍ତର, ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ବର୍ଷା ଜଳ ସହ ଧୋଇ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳାଶୟକୁ ଆସିଥାଏ। ଜଳରେ ପୋଷକର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଜଳକର ଯେଉଁ ପୋଷକର ମାତ୍ରାଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଜଳାଶୟରେ ଜୈବାଳର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ଜୈବାଳର ବୃଦ୍ଧି ହେଇକିନାଟା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କ'ଣ କହିଲା, ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୈବାଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭାବ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଜୈବାଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭାବଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାପରେ ଶୈବାଳ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ଶୈବାଳ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନର ସେତେ ଅଭାବ ହେବ, ବୁଝିହେଲା? ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଳଜୀବମାନେ ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜଳଜୀବମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ନୁହେଁ, ଦେଖିବା, ଦେଖ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ମିଥେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ଟା ନୁହେଁ। 12 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, 1ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ବାୟୁରେ 10% ଯବକ୍ଷାରଜନ ଥାଏ, ବାୟୁରେ 10% ଯବକ୍ଷାରଜନ ଥାଏ, ଉତ୍ତର ହେଲା 78%। ଯେମିତି 2ନ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବାୟୁ। ଦେଖ 3ରେ କାର୍ବନ୍ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ରକ୍ତର ଡେସ୍ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରେ, କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରେ, ଆଇ ବି କୁହୁଡ଼ି ଓ ଧୂଆଁ ମିଶି ଡେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସ୍ମଗ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଓଜନ ସ୍ତର ଡେସ୍ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷି ନିଏ, ଓଜନ ସ୍ତର ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷି ନିଏ ବି ଆଇ। ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଡେସ୍ ଠାରେ ବେଶୀ ହେଉଛି, କାନପୁର ଠାରେ ବେଶୀ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ବେଶୀ, କାନପୁର ଠାରେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଏଇ ସବୁ ଅଛି।
बर्तमान आम 13 नंबर देखा कौन दे प्रथम शब्द द्वय संपर्क को देखिए तृतीय शब्द संपर्कित शब्द शून्य स्थान पूरण करवा देख प्रथम कौन सल्फर डाइऑक्साइड गंधक अम्ल सेमती नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डेस् नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन हम देख यार उत्तर हम जबक्षारजन सेमती है कौन अम्ल वर्षाटा मार्बल कैंसर ओजन क्षयटा कौन कर चर्म कर्कट कौन कर चर्म कर्कट एटदेला सेमती तीन देखा अंगारकाम्लटा जान बाहन सीएफसीटा कौन शीतल भंडार सेमती आई भी कोईला है जैवाश्म सीएनजी कौन सीएनजी है गैसीय ईंधन सीएनजी कौन ना गैसीय ईंधन सेमती भीटा धूलिकणा वायु प्रदूषण कर मलटा कौन कर मलटा जल प्रदूषण कर जल प्रदूषण जल प्रदूषण उत्तर दीजिए जबक्षारजन कर्म शीत भंडार गैसीय ईंधन जल प्रदूषण।